नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोग का दोस्त अभिषेक। और दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज जो मैं कॉन्सेप्ट ले रहा हूं वो है पावर बीआई। जी हाँ, बहुत मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है ये पावर बीआई, और आप लोगों को पता ही है कि इसका यूज़ मार्केट में कितना ज़्यादा है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने एक डैशबोर्ड क्रिएट कर रखा है। इसी तरह का इंटरैक्टिव डैशबोर्ड आप भी बना सकते हैं। बहुत ही गजब की टेक्निक है, आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। अब आपका चार्ट ऑटोमेटिकली किसी भी तरीके से चाहें तो चेंज कर सकते हैं। आप देखिए, ये देखिए, मैं क्लिक कर रहा हूं और ऑटोमेटिकली मेरा चार्ट बदल बदल कर दिखा रहा है। और कौन सा चार्ट कैसे दिखा रहा है, क्वार्टर टू में, क्वार्टर वन में, क्वार्टर थ्री में, क्वार्टर फोर में, क्वार्टर फाइव में, या क्वार्टर थ्री और फोर में। तो देखिए, हर तरह की सेल्स मुझे यहां पर पता चल रही है। वेरी इफेक्टिव, वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट इज शोन लाइक दैट। ओके, क्या होता है पावर बीआई, इसके बारे में भी जानेंगे। पूरा डिटेल में ये वीडियो आप लोग के लिए होने वाला है। बहुत ध्यान से देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत करिएगा, वरना आप लोग समझ नहीं पाएंगे और इंटरैक्टिव डैशबोर्ड नहीं बना पाएंगे। इस वीडियो में आप लोग को ये प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा, आप लोग ये प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं और साथ ही इसे खुद भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, व्हाट इज पावर बीआई, पावर बीआई होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो यहां पर अगर देखें तो पावर बीआई एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, जो कि डेटा को विजुलाइज करने के काम आता है और आप लोगों को एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाकर देता है। ये आपकी कई सारी क्वेरीज को सॉल्व करता है, जैसे पावर पिवट से रिलेटेड, पावर व्यू से रिलेटेड, पावर मैप से रिलेटेड, पावर क्वेरी, बहुत सारी सर्विसेज जो पावर से रिलेटेड है और वो एक्सेल में प्रोवाइडेड होती हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड किया गया एक टूल है जो कि है पावर बीआई। पावर बीआई में होता क्या है कि बहुत सारे डैशबोर्ड्स बनाने के लिए आप लोगों को डेटा सोर्सेज की जरूरत पड़ती है, और डेटा सोर्सेज आप लोग कहीं से भी उठा सकते हैं। यानी आपका डेटा सोर्स या तो एक्सेल हो सकता है, या तो एसक्यूएल हो सकता है, या आप लोगों का डेटा बेस हो सकता है, एमएस एक्सेस हो सकता है, या आप लोग ऑनलाइन भी डेटा पिकअप कर सकते हैं। तो पावर बीआई के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो देखिए दोस्तों, यहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी मिल जाएंगी। यहां पर आप पावर बीआई एनालिसिस बन सकते हैं, यहां पर आप पावर बीआई डेवलपर बन सकते हैं, बीआई कंसल्टेंट बन सकते हैं, बीआई स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, बिजनेस एनालिसिस बन सकते हैं, और डेटा एनालिसिस भी बन सकते हैं, और भी बहुत कुछ है इसके अंदर। साथ ही बात करें पावर बीआई की एवरेज सैलरी, अगर आपने पावर बीआई सीख लिया तो आपकी एवरेज सैलरी कितनी हो सकती है। एक फ्रेशर की बात करूं मैं तो यहां पर पावर बीआई सीखने वाले और पावर बीआई यूज करने वाले की स्टार्टिंग सैलरी 5.65 लाख पर एनम हो सकती है। तो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है पावर बीआई, कुछ इस तरह का लुक है उसका, ऐसा दिखाई देता है जब वो कंप्लीट बनेगा। कुछ देख सकते हैं आप लोग, इस तरह के इंटरैक्टिव डैशबोर्ड आप बना सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके डाउनलोड और इंस्टॉलेशन की, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आप लोग को मिलता है, और आपको इसे कैसे डाउनलोड करना है, किस तरह से करना है, चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर जाइए और यहां पर आप लोग को लिखना होगा, सर्च करिए पावर बीआई डेस्कटॉप। याद रखिए, पावर बीआई डेस्कटॉप ही आप डाउनलोड करिए, अदरवाइज आप लोगों को इसमें डेटा सेव करने में दिक्कत आ सकती है और आपसे लाइसेंस मांग सकता है, आप फ्री इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो पावर बीआई डेस्कटॉप आप लोग को यहां पे क्लिक करना है, और आप देख सकते हैं ये आप लोग को ऐप मिल जाती है, आप लोग इसे गेट करेंगे, यहां पर आपको गेट का ऑप्शन मिलेगा। फिलहाल मैंने इसे डाउनलोड कर रखा है, मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो मुझे यहां पर ओपन का ऑप्शन मिल रहा है, आप लोग को यहां पर गेट का ऑप्शन मिलेगा, आप इसे गेट करिए और उसके बाद आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो जैसे ही आप पावर बीआई ओपन करेंगे तो पावर बीआई का जो इंटरफेस है कुछ इस तरह का दिखाई देगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, इसके इंटरफेस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यहां पर देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये है होम टैब। होम टैब में इसके इंटरफेस पर काफी सारी चीजें दी है, जहां पर आप लोगों को पता चलेगा गेट डेटा का एक कमाल का ऑप्शन, जिसमें आप डेटा को गेट कर सकते हैं। यानी जो भी डेटा आप लोग इसमें देखना चाहते हैं, जिसके ऊपर आप डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं, वो डेटा आप यहां पर ला सकते हैं। कहां से ला सकते हैं, आप एक्सेल के थ्रू ला सकते हैं, पावर बीआई से ही डेटाबेस ला सकते हैं, एसक्यूएल से ला सकते हैं, टेक्स्ट फाइल ला सकते हैं, सीएसवी, ब्लैंक क्वेरी, बहुत सारे टूल्स आपको यहां पे गिवन है। और उसके अलावा अगर आपका डेटा उस फॉर्मेट में नहीं है जिस फॉर्मेट में आप चाहते हैं, तो उस डेटा को आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। यहां पर एक ऑप्शन दिया जाता है ट्रांसफॉर्म डेटा का, थोड़ी देर में हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो दोस्तों हम जिस प्रोजेक्ट पर बात करने वाले हैं वो है एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का डेटा, और वहां पर आप लोगों को काफी सारा अलग ई कॉमर्स का डेटा दिया हुआ है रिलेटेड टू सेल्स ऑफ ई कॉमर्स।
और मैं चाहता हूँ एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाना जो कि इस तरह का दिखाई देगा, यानी ई कॉमर्स उद्धव सेल्स डैशबोर्ड मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है। कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा, सारी बातें करते हैं। फिलहाल मैं सबसे पहले आप लोगों को अपना डेटा दिखा देता हूँ। इस तरह की दो CSV फाइल मेरे पास यहाँ पे गिवन है और मैं इन दोनों फाइल को आपको ओपन करके एक बार पहले दिखा देता हूँ। दोस्तों ये है मेरी एक फाइल जिसके अंदर डिटेल्स है ऑर्डर से रिलेटेड, और इसमें मुझे पता चल रहा है कि इस कंपनी ने जो भी ऑर्डर्स दिए उस पे कौन सा अमाउंट, किस अमाउंट का ऑर्डर मिला था, प्रॉफिट कितना कमाया, कितनी क्वांटिटी आपने बेची, कैटेगरी कौन सी थी, सब कैटेगरी कौन सी थी, पेमेंट मोड कौन सा यूज किया गया है, ये सारी डिटेल्स डिटेल वाली इस शीट पर गिवन है। और ये जो डेटा है ये अराउंड 1500 लाइन का डेटा है। ओके, तो दोस्तों दूसरी डिटेल अगर हम देखें तो यहां पर आप लोग को दूसरी डिटेल दी हुई है जिसके अंदर आप लोग को ऑर्डर आईडी ही दी हुई है, साथ में ऑर्डर की डेट, कस्टमर का नाम, स्टेट और उसकी सिटी भी गिवन है जहां से उसने ऑर्डर प्लेस किया है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहां पर डेटा को इंपोर्ट मारना होगा गेट डेटा वाले ऑप्शन पर, और यहां पर वो जो फाइल है वो एक CSV फाइल है, तो मैं यहाँ पर CSV पर क्लिक कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये हैं दो फाइलें जो मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ। पहले मैंने डिटेल वाली फाइल ले ली है, ओपन किया, उसके बाद आप देख सकते हैं ये डिटेल वाली फाइल इसमें लोड हो चुकी है। अब लोड होते ही आपके सामने एक मैसेज आएगा जहां पे आपको मिलेगा लोड ट्रांसफॉर्म और कैंसिल का ऑप्शन, जिसमें आप डेटा को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। अगर वो डेटा सही फॉर्मेट में नहीं है, उसमें डेटा को क्लीनिंग करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा, फिलहाल मैं इसे सिर्फ लोड कर रहा हूं। ओके, इसी तरह से मैं क्या करता हूं, दूसरा भी डेटा यहां पर लोड कर लेता हूं। तो डेटा लोड हो चुका है, अब मैं दूसरा डेटा भी यहां पर लोड कर रहा हूं, वो भी मेरा एक CSV डेटा है, और CSV डेटा में मैंने ऑर्डर वाली फाइल को भी लोड कर लिया है। अब दोस्तों पता कैसे चलेगा कि आप लोगों ने ये डेटा लोड कर लिया है, तो दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा, यहां राइट साइड में आपको तीन टूल्स दिखाई देंगे, एक फिल्टर का, एक विजुलाइजेशन का और एक डेटा का। डेटा को टूल्स आपको तभी दिखाई देगा जब आप लोगों ने कोई डेटाबेस इसमें एंटर किया होगा। ओके, यानी डेटाबेस इंपोर्ट किया होगा तो डेटा का टूल आपको दिखाई देगा, जहां पर आपको अगर आप उसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो वहां पर आपको दिखाई भी देगा कि उसके अंदर कौन कौन सी डिटेल्स हैं, यानी कौन कौन से कॉलम्स उस डेटा में आपके पास गिवन है, वो सारी चीजें यहां पर दिखाई देंगी। ओके, तो ये सारी डिटेल्स यहां पे दिखाई दे रही हैं फिलहाल। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आता है ट्रांसफॉर्म डेटा, तो अब हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे। तो ट्रांसफॉर्म डेटा पर अगर आप जाएं तो यहां पर आप लोगों को मिलता है पूरा का पूरा पावर क्वेरी एडिटर टूल, जिसके अंदर आप डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। अभी आप देख सकते हैं यहां पर डिटेल और ऑर्डर नाम की दोनों शीट्स आ रही हैं, और आप इस डेटा को अपने अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। और दोस्तों जो भी आप चेंजेस यहां पे करने वाले हैं और करेंगे तो यहां पर वो चेंजेस आपको दिखाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल सिंपल सा लेते हैं। यहां पर देख सकते हैं आप लोगों को ऑर्डर आईडी का एक कॉलम दिख रहा है, मैं चाहता हूं कि जो ओडी है और उसके बाद वाला नंबर है वो अलग कॉलम में शिफ्ट हो जाए। तो आप ये ऐसा कैसे करेंगे, इसके लिए आपको उस कॉलम को सिलेक्ट करना होगा, उस पर राइट क्लिक प्रेस करेंगे और यहां पर आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट कॉलम का, और स्प्लिट कॉलम के ऑप्शन में जैसे ही आप जाएंगे तो यहां पर आपको डिलिमिटर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और डिलिमिटर के कॉलम में आप लोग को जाने के बाद यहां पर आपको बताना है कि जो आप लोग का कॉलम स्प्लिट होने वाला है वो किस एरिया से होने वाला है। तो यहां पर आप लोग बताएंगे डैश से मेरा जो कॉलम है वो स्प्लिट होने वाला है, तो डैश यहां पे डाल देंगे, उसके बाद आप सिर्फ ओके प्रेस करेंगे। और जैसे ही आप ये करेंगे आप देख सकते हैं कि जो डैश है उससे आपका कॉलम स्प्लिट हो गया है और ये दो कॉलम क्रिएट हो गए हैं। अब वो स्टेप आप लोग को यहां पे दिखाई दे रहा होगा जो मैंने किया है, स्प्लिट भी किया है और टाइप भी बदल गया है उसका। अभी मेरे को इस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो यहां से आप कर सकते हैं। अगर आपके डेटा में कोई भी दिक्कत है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो वो आप यहां से चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई नया कॉलम भी इसमें ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे ऐड, सिंपल, यहां पे ऐड कॉलम पर जाएंगे और ऐड कॉलम पे जाकर आप लोग को वो नया कॉलम ऐड करना है तो यहां पर कस्टम कॉलम का एक ऑप्शन मिल जाता है जिस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कॉलम का नाम बताना है जो कॉलम आप लेने वाले हैं। लेट सपोज मान लीजिए मैं इस डेटा में जो कॉलम लेने वाला हूं उसका नाम है एवरेज, और एवरेज को निकालने के लिए मैंने जो फॉर्मूला यहां पर यूज करना है वो है अमाउंट, देखिए अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो मैंने ये किया, उसके बाद मैंने ओके प्रेस किया। आप देखिए ये होता है डेक्स फॉर्मूला,
इसे डेक्स फॉर्मूला बोलते हैं। आप ओके प्रेस करिए, जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे आप देखिए एवरेज का एक कॉलम यहां पर इंसर्ट हो चुका है और आप लोगों ने जो स्टेप्स किए वो आपको यहां पे साइड में शो हो रहे हैं। आप चाहे तो इस स्टेप को हटा भी सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। मैं यहां पे कट कर रहा हूं स्टेप को, मुझे इसकी नीड नहीं है, तो मैं तीनों स्टेप यहां से रिमूव कर रहा हूं। लास्ट में फाइनली जैसे ही आपका सारा का सारा वर्किंग जो भी आप लोगों ने इस डेटा के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन का करना है वो आपने अगर कर दिया है तो आप लास्ट में एक काम जरूर करेंगे और वो क्या है, होम में जाकर आप लोगों को यहां पे क्या करना है, क्लोज एंड अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिससे क्या होगा जो आप लोगों ने वर्क किया है वो उस पर अप्लाई हो जाएगा और वो आपको दिखने लग जाएगा। तो जैसे ही आप क्लोज एंड अप्लाई करेंगे उसके बाद आप लोगों का डेटा नॉर्मल हो जाएगा और आपके डेटा पर ये चीजें आ जाएंगी। दूसरा व्यू आप लोगों के पास आता है टेबल व्यू, जिसमें हम क्या कर सकते हैं चलिए देखते हैं। टेबल व्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप लोगों को यहाँ पे आपके डिटेल्स वाले टेबल और ऑर्डर वाला दोनों टेबल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब इस डिटेल वाले और ऑर्डर वाले टेबल्स में कोई भी चेंजेस अगर आपको करना है तो वो आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ से आप किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो आप लोग को ऊपर उसके चेंजेस का टाइप दिखाई देगा, देख सकते हैं आप लोग। जैसे मैंने अमाउंट वाले कॉलम को सिलेक्ट किया है तो उसका टाइप क्या है, होल नंबर। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर कैटेगरी वाले कॉलम को सिलेक्ट करूंगा तो उसका टाइप क्या है, टेक्स्ट। आप चाहें तो यहाँ पर एक नया कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे, सिंपली यहाँ पर न्यू कॉलम का ऑप्शन है, उससे आप नया कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आपको एक नया कॉलम ऐड करना है तो इसके लिए आपको न्यू कॉलम पे क्लिक करना होगा, न्यू कॉलम ऐड हो जाएगा। और अब आपको यहां पर उस कॉलम का नाम देना होगा, नाम देने के बाद उसका आप लोग को फॉर्मूला लगाना है और फिर वो कॉलम आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। ओके, तीसरा व्यू आता है दैट इज कॉल्ड द मॉडल व्यू। मॉडल व्यू बहुत ही कमाल का व्यू है जिसके अंदर आपको जो डेटाबेस है वो आपस में कनेक्ट होता है। और अब आप देखिए यहां पर ये डेटा इसके साथ ऑटो कनेक्ट हो चुका है, वो क्यों हुआ है चलिए मैं आपको बताता हूं। ये बहुत जरूरी है कि आपका डेटा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ हो, अगर जुड़ा हुआ नहीं रहेगा तो आप लोग डेटा में कोई भी वर्किंग करेंगे तो इसमें जितनी भी फाइलें आप रखते हैं उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा तो वो डेटा बेस या डैशबोर्ड नहीं बनेगा प्रॉपर तरीके से। तो अब देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया मॉडल व्यू पे तो इसने एक कनेक्शन ऑलरेडी यहां पे एस्टैब्लिश कर रखा है। अगर आप इस कनेक्शन को देखना चाहते हैं तो आप इस पर डबल क्लिक करिए और जैसे ही आपने डबल क्लिक किया आप लोग को यहां पर कनेक्शन दिखा रहा है कि ऊपर वाले डिटेल वाले टेबल में से ऑर्डर आईडी का कनेक्शन ऑर्डर वाली टेबल का के ऑर्डर आईडी वाले टेबल से मैच हो गया है। अब जो कनेक्शंस होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि अभी आप पहला कनेक्शन देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड मैनी टू वन। इसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपकी ऑर्डर आईडी फर्स्ट टेबल के अंदर काफी सारी है, यानी बार बार रिपीट हो रही है ऑर्डर आईडी दैट इज डिटेल टेबल में, और दूसरी टेबल में वो एक ही बार आ रही है तो आप मैनी टू वन लेंगे। इसके अलावा आप लोग को वन टू वन लेना है, मान लीजिए आपकी पहली टेबल डिटेल वाली टेबल में अगर वो ऑर्डर आईडी एक बार आ रही है और उसी दूसरी टेबल में भी वो एक बार आ रही है तो आप लोगों से वन टू वन लेना है। अगर पहली टेबल में वो आ रही है एक बार और दूसरी टेबल में वो कई बार रिपीट हो रही है तो आप लोगों को लेना है वन टू मैनी। और अगर दोनों ही टेबल में जो ऑर्डर आईडी है वो बार बार रिपीट हो रही है तो आप लोग को यहां पर लेना है मैनी टू मैनी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दोनों टेबल्स को आपस में लिंक कर सकते हैं। फिलहाल इसने ऑटोमेटिक लिंक किया है और आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे यहां पर मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव, क्योंकि इस रिलेशनशिप की आपको जरूरत है बिकॉज आप चाहते हैं कि एक डैशबोर्ड बन जाए। इसी तरह से आप चाहे तो कोई और फील्ड का भी कनेक्शन इसके साथ बिठा सकते हैं। लेट सपोज अगर ये मैनुअली समझ नहीं पा रहा है कि कौन सी फील्ड का कनेक्शन इसके साथ करना है तो आप ये मैनुअली भी कर सकते हैं। यहां पर क्लिक करिए और इसमें वो कॉलम सिलेक्ट करिए जो भी है, और आपको वो सिलेक्ट करने के बाद बस ओके प्रेस करना है, ऑटोमेटिकली वो कनेक्शन कर देगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसे कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि कनेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। इस तरह के कनेक्शंस को वी लुकअप भी कहा जा सकता है अगर आपने एक्सेल में सुना हो तो। अब रिपोर्ट व्यू पे आते हैं और अब एक डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। दोस्तों डैशबोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहां पर फिल्टर, विजुअलाइजेशन और डेटा, तीन सेक्शंस यहां पे दिखाई दे रहे हैं। इन तीन सेक्शंस की मदद से हम यहां पे डैशबोर्ड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहां पर ये वाला डैशबोर्ड बनाने के लिए आप लोग को क्या करना है, आप लोग को दिख रहा होगा यहां पर जो बैकग्राउंड आ रहा है वो बहुत ही इंटरेक्टिव आ रहा है। तो ये बैकग्राउंड आप लोग को कहां मिलेगा, ये बैकग्राउंड मैंने गूगल से डाउनलोड किया है। फिलहाल आप भी कर सकते हैं, आपके पास कोई पर्सनल बैकग्राउंड है तो वो आप यहां पे ला सकते हैं। फिलहाल मैं ये बैकग्राउंड ले रहा हूं, ये बैकग्राउंड मेरे पास पड़ा हुआ है, आप लोगों को भी चाहिए तो आप ले सकते हैं मेरे से, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस बैकग्राउंड को लेने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपली यहां पर क्लिक करना है फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहां पे कैनवस बैकग्राउंड का ऑप्शन आप लोगों को दिख जाएगा, यहां पे जाइए और उसके बाद ब्राउज करिए।
ब्राउज करने के बाद आप लोग को बैकग्राउंड मिल जाएगा, आप सिलेक्ट करिए। और अब दोस्तों यहां पर अभी वो बैकग्राउंड आपको शो नहीं कर रहा है, कारण इसका ये है कि अभी उसकी ट्रांसपेरेंसी 100% हो रखी है। आपको ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा कम करना होगा जिससे कि वो बैकग्राउंड शो होने लग जाए। आप देखिए मैंने जैसे ही ट्रांसपेरेंसी को कम किया ऑटोमेटिकली आपका बैकग्राउंड आपको शो होने लग गया। अब सबसे पहले आप लोग को ये हेडिंग चाहिए, तो इस हेडिंग को लाने के लिए क्या करेंगे चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आप लोग को टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। टेक्स्ट बॉक्स कहां से आएगा, यहां से आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना है, इस पर क्लिक करिए और आपका टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। यहां पर आपको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी डिटेल चाहिए वो आप यहां टाइप कर दीजिए। जैसे मुझे ये चाहिए तो मैं इसे यहां पर टाइप करने वाला हूं। यहां लिख दीजिए ई कॉमर्स उद्धव सेल्स डैशबोर्ड, आप इस पर क्लिक करिए। और अब देखिए दोस्तों यहां पर जो डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, अगर आप इसे उठाना चाहते हैं तो आप यहां से उठा सकते हैं। इसका साइज भी आप लोग यहां से बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसका साइज मुझे 16 करना है, तो सबसे पहले यहां से साइज को 16 कर देता हूं और इसका फॉन्ट स्टाइल में थोड़ा बोल्ड कर देता हूं और अब इसे यहां पर इस तरह से सेट कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, अब अगर आप चाहे तो इसे सेंटर में भी कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने देखिए इसे सेंटर में कर दिया है, फिलहाल ये लुक में काफी अच्छा लग रहा है। अभी फिलहाल अगर आप चेक करें तो मेरे डैशबोर्ड में ये थोड़ा सा ऐसा दिखाई दे रहा है जिससे कि आपको लुक वाइज काफी अच्छा लगे। अब ये कैसे हुआ चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करते ही आप लोगों को इसका डायलॉग्स आप लोगों को दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड फॉर्मेट आप लोग को यहां पर दिखाई देंगे। फॉर्मेट पर आप जाएंगे, यहां पर इफेक्ट का एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और इफेक्ट ऑप्शन में जाकर यहां पर आप लोग को जो बैकग्राउंड का कलर है वो व्हाइट नहीं रखना, वो आपको ट्रांसपेरेंस रखना है। तो ट्रांसपेरेंस रखना है तो आप इसे 100% कर सकते हैं। और देखिए आप लोग का बैकग्राउंड का कलर हट चुका है पूरी तरह से, 100% ट्रांसपेरेंसी कर दी है मैंने। और अगर आप चाहे तो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी को कम भी कर सकते हैं, तो यहां पर मैंने 85% ट्रांसपेरेंसी रखी है, या आप 95% भी रख सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए यहां पर जो टाइटल आपने दिया है उसका कलर, अब टाइटल जो दिया है उसका कलर भी आप चेंज करना चाहते हैं तो यहां से आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने यहां पर जो कलर है इसका येलो कर दिया है। अब दोस्तों यहां पर आप लोग देखिए ये जो डैशबोर्ड आ रहा है अभी आपको इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां पर सबसे पहले आप देखिए मेरा जो बॉर्डर वहां पर दिखाई दे रहा है उस डैशबोर्ड में थोड़ा सा कर्व दिखाई दे रहा है। तो अगर आप चाहते हैं तो कि इस तरह का कर्व आपको मिले तो आप लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इफेक्ट पर जाएंगे और यहां पर विजुअल बॉर्डर के अंदर जाकर यहां पर जो बॉर्डर है उसे थोड़ा सा विजुअल बॉर्डर में जाकर पहले इसे ऑन करेंगे और यहां पर जो इसका कर्व शेप है वो थोड़ा सा एक्टिवेट कर देंगे, जो कि मैंने 15 कर दिया है। तो अब आप देखें थोड़ा सा कर्व शेप हो चुका है और थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इफेक्टिव लग रहा है देखने में, लुक वाइज काफी यूनिक लग रहा है। उसके बाद आप लोग देखिए यहां पर सबसे पहला जो डैशबोर्ड मुझे बनाना है यहां पे वो है प्रॉफिट बाय मंथ। तो ये कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आप लोग को यहां पर क्या करना है, प्रॉफिट वाले सेक्शन पर क्लिक करना है और यहां पर आपको मंथ चाहिए। अब दोस्तों यहां पर ऑर्डर डेट का सेक्शन अगर आप लेते हैं तो यहां पर देखिए ऑर्डर डेट का सेक्शन दिया हुआ है। यहां पर आप लोग को डेट हायरार्की का सेक्शन दिया हुआ है, आप इस पे जाइएगा और यहां पर आप लोग देखिए यहां पर आप लोगों को मंथ का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पे क्लिक करिए और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप लोग को देखिए मंथ वाइज रिपोर्ट दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। अब ये मंथ वाइज रिपोर्ट आपको दिख रही है, लेकिन दोस्तों यहां पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि जो फॉर्मेटिंग आपने इस पे की थी सारी की सारी वो अब आपको इस पे भी अप्लाई करनी है, तो ये बहुत मेहनत का काम है। तो यहां पर बहुत सारी मेहनत नहीं करनी है आपको, सिंपली इस फॉर्मेटिंग पे आप क्लिक करिए और फॉर्मेट प्रिंटर पर जाकर इस पर क्लिक करिए और फाइनली इस पर क्लिक कर दीजिए और देखिए सारी की सारी फॉर्मेटिंग उससे इस पर कॉपी हो चुकी है। अब दोस्तों ये जो डैशबोर्ड है इस पर अगर आप ध्यान दें तो इसमें काफी कुछ है जो आप लोगों को करना है, चलिए देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं इस पर। तो सबसे पहले तो आप लोग देखिए यहां पर जो कलर्स आ रहे हैं, जो ये जनवरी फरवरी मार्च आ रहे हैं, ये आप लोग के थोड़े से ब्लर दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इनसे डार्क करना चाहूंगा और यहां पर ये मंथ वाला सेक्शन एक्सिस टाइटल्स आ रहे हैं, इन्हें मुझे हटाना होगा। तो मैं क्या करना चाहता हूं, सिंपली इस पर क्लिक करता हूं, क्योंकि आप देखिए तो मेरे यहां पर ये वाले जो ऑप्शंस हैं नहीं दिखाई दे रहे, तो मुझे ये एक्सेस टाइटल्स यहां से रिमूव करने हैं। तो कैसे रिमूव करेंगे, सिंपली जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको एक्स एक्सिस का ऑप्शन मिलेगा और एक्स एक्सिस में आप लोग को यहां पर टाइटल का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इसे ऑफ कर देंगे। सेम आप वाई एक्सिस में भी जाएंगे और टाइटल का ऑप्शन यहां पर भी मिलेगा, जो कि आपको ऑफ कर देना है। जैसे ही आप टाइटल के ऑप्शन को ऑफ करेंगे तो आप देख सकते हैं एक्सिस के जो ऑप्शन है वो यहां से रिमूव हो गए। उसके अलावा सबसे पहले आप लोग को यहां पे ग्रिड लाइन का ऑप्शन चाहिए, तो ग्रिड लाइन का ऑप्शन आप देखते हैं नीचे ही आपको मिल जाता है, तो ग्रिड लाइन आपको नहीं चाहिए तो आप नो कर दीजिए, ये देखिए ग्रिड लाइन हट चुकी है। उसके अलावा आप लोग देखिए यहां पर जो टाइटल आ रहा है ये टाइटल कलर फॉर्मेट के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आप यहां देखें तो यहां पर थोड़ा सा लाइट आ रहा है और थोड़ा बड़ा भी है टाइटल, तो ज्यादा अच्छे से दिख रहा है। तो आप लोग टाइटल को कैसे ठीक करेंगे,
इसके लिए आपको जनरल टैब में जाना होगा। जनरल टैब में जाने के बाद टाइटल का जो ऑप्शन है इसमें आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है वो आप चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल यहां पे सम ऑफ प्रॉफिट बाय मंथ दिखाई दे रहा है, मुझे यहां पे क्या करना है इसको हटाकर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बाय मंथ लिखना है। ये मैंने लिख दिया और उसका स्टाइल थोड़ा सा यहां से कलर जो है इसका कलर इफेक्ट व्हाइट कर दिया। अब देखिए दोस्तों यहां पर कलर इफेक्ट व्हाइट हो चुका है और मैं इसे सेंटर में करना चाहता हूं तो सेंटर में भी कर दिया और थोड़ा साइज इसका बढ़ाना चाहता हूं तो साइज भी मैंने इसका थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखें तो यहां पर आप लोगों को जनवरी फरवरी मार्च जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये आप लोगों को थोड़ा सा लाइट दिखाई दे रहा है। अब इसको भी मुझे व्हाइट फॉर्मेट में करना है ताकि ये थोड़ा डार्क दिखे। तो इससे कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस वाले ऑप्शन पे जाना है, विजुअल पे जाना है। विजुअल पे जाने के बाद आपको एक्स एक्सिस वाले ऑप्शन पे जाना है और यहां पर जो वैल्यूज है वहां पे जाना है और यहां जो कलर दिखाई दे रहा है उस कलर को आप चेंज करके व्हाइट कर दीजिए और ये देखिए आपका जो विजुअल है वो काफी अच्छा हो चुका है। इसी तरीके से सेम आप लोगों को करना है वाई एक्सेस के लिए भी, तो वाई एक्सेस पे भी जाइए और यहां पर जो वैल्यूज है उसको भी इसी कलर में कर दीजिए व्हाइट कलर में ताकि वो दिखाई दे। तो आप देख सकते हैं यहां पे वैल्यूज बहुत ही सिंपल तरीके से दिखाई दे रही है। अब दोस्तों दो यहां पर आती है नेक्स्ट पॉइंट की बात। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहां पर जो आप लोगों को कलर दिख रहे हैं ये देखिए जनवरी फरवरी मार्च का जो कलर है वो एक दिख रहा है बट जो नीचे की तरफ कलर सारे वो आप लोग को अलग दिख रहे हैं। तो ये कैसे होगा, यानी जब नेगेटिव में वैल्यूज जाए तो ऑटोमेटिकली वो कलर चेंज हो जाए, ये कैसे करेंगे तो चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आप लोग को क्या कर रहे हैं यहां पर विजुअल टैब में जाना है और यहां पे कॉलम्स का ऑप्शन दिखेगा। अभी कॉलम्स के ऑप्शन पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहां पर आप लोग को शो ऑल ऑल कॉलम के डिफरेंट डिफरेंट आप लोग कलर भी सेट कर सकते हैं। आप चाहे तो जनवरी का अलग फरवरी का अलग भी सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं डिफरेंट कलर नहीं सेट कर रहा हूं, यहां पर मैं क्या करना चाहता हूं, यहां मैं एक फॉर्मूला लगाना चाहता हूं जिसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक कलर सेट करे, यानी अगर कोई वैल्यू नेगेटिव में जाए तो कलर चेंज हो जाए। तो यहां पर आप लोग को एफएक्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करिए और यहां क्लिक करने के बाद आप लोग को ग्रेडियंट के ऑप्शन से हटाकर इसे रूल के ऑप्शन पे कर देना है। जैसे ही आप इसे रूल के ऑप्शन पे करेंगे उसके बाद आप लोग को यहां पर कलर का ऑप्शन चेंज करना है। अगर आपकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो आपको ये वाला कलर लेना है और न्यू रूल ऐड करना है। अगर आपकी वैल्यू ग्रेटर देन के अलावा लेस देन जीरो होगी तो आप लोगों को ये वाला कलर ले लेना है। तो ग्रेटर देन जीरो दिस इज कलर एंड लेस देन जीरो दिस कलर। ओके प्रेस करेंगे और जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे यू विल सी दैट कि आप लोगों का जो कलर ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। अब आप देख सकते हैं इस तरह से ये वैल्यूज आपको दिखाई दे रही है। दोस्तों अब मान लीजिए आप लोगों को इस तरह का चार्ट बनाना है, तो यहां पर चार्ट बनाना इतना आसान है कि आप चाहें तो इस चार्ट को पूरा का पूरा कॉपी मार सकते हैं और कॉपी करने के बाद ऑटोमेटिकली उसी चार्ट में चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे करेंगे। लेट सपोज इस चार्ट को मैं यहां से कॉपी करता हूं और कॉपी करने के बाद मैंने इस चार्ट को यहां पर पेस्ट कर दिया, तो अब ये चार्ट मेरा कॉपी पेस्ट हो चुका है। अब मैं इस चार्ट को चेंज करना चाहता हूं तो बस मेरे को सिंपल सा काम करना है, क्योंकि दूसरे वाले चार्ट में आपको दिख रहा है प्रॉफिट दिखाना है वो भी सब कैटेगरी वाइज, तो सिर्फ मुझे सब कैटेगरीज का ऑप्शन चाहिए। प्रॉफिट वाइज प्रॉफिट दिखाना इसमें भी है लेकिन मुझे सब कैटेगरी चाहिए। तो अब मुझे यहां पे क्या करना होगा, ये देखिए मंथ का ऑप्शन है, इसे यहां से कट कर देंगे और यहां पर आप लोगों को क्या रखना है, सब कैटेगरी ऑप्शन उठाकर यहां रख देना है एक्स एक्सिस में। और जैसे ही आप ये रखेंगे और देखिए आप लोगों का ये चार्ट सब कैटेगरी वाइज हो गया। अब दोस्तों यहां पर आप चार्ट बदलना है, देखिए ये जो चार्ट है ये बार चार्ट है, तो आप चाहें तो चार्ट को चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहां से अब इस चार्ट को चेंज करके मैं बार चार्ट कर रहा हूं, तो ये देखिए चार्ट को मैंने बदल दिया है, अब ये चार्ट चेंज होकर बार चार्ट हो चुका है। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहां पर इस चार्ट में सिर्फ चार वैल्यूज दिखाई दे रही है और वो भी टॉप फोर वैल्यूज दिखाई दे रही है। ओके, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसके लिए आप लोग को इस चार्ट पर क्लिक करना है, इसके लिए आपको इस चार्ट पर क्लिक करना है और यहां पर आप लोग को फिल्टर के ऑप्शन पे जाना है। यहां पर आप लोग को सब कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सब कैटेगरी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहां पर बेसिक फिल्टरिंग की बजाय यहां पर ऑप्शन सिलेक्ट करके चेंज कर देंगे टॉप एन। तो टॉप एन में जाकर यहां पर टॉप में लिख देंगे टॉप फोर, या जैसे भी आपको चाहिए टॉप फोर चाहिए टॉप फाइव चाहिए वो आप ले लीजिए और उसके बाद यहां पर वो फील्ड ऐड कर दीजिए जिसके जिस चीज को आपको दिखाना है। तो फील्ड कौन सी थी हमारी, प्रॉफिट वाली, तो प्रॉफिट वाली फील्ड को उठाकर यहां रख देंगे और जैसे ये रखेंगे उसके बाद अप्लाई फिल्टर जैसे करेंगे आप देख सकते हैं सिर्फ चार प्रॉफिट आप लोग को यहां पर दिखाई दे रहा है जो भी टॉप फोर है आप देखिए। तो ये बहुत ही कमाल की और इंटरेक्टिव चीज आप लोग को यहां पर दिखाई दे रही है। इस तरह से आप लोग का चार्ट तैयार हो जाता है ये वाला। अब आपको यहां पे प्रॉफिट बाय मंथ दिखाई दे रहा है तो वो आपको चेंज करना है, तो यहां पर आप लोग को ये दिख रहा है, तो ये कैसे होगा, इसके लिए आपको सिंपली जाना होगा विजुअल पर, फॉर्मेट एंड विजुअल पर, इस पर आप क्लिक करके यहां पर आप जाएंगे जर्नल पर और जो टाइटल है वो आप लोग को यहां चेंज करना होगा।
बस ये प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप चार्ट कॉपी भी करते हैं तो टाइटल भी साथ में कॉपी हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग को सिंपली लिखना होगा, और इसका जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा है, मैं इस साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि वो एडजस्ट हो जाए। और अब आप देख सकते हैं ये साइज़ थोड़ा सा एडजस्ट हो चुका है। इसी तरह से आप अगला चार्ट भी बनाएंगे, और अब अगले चार्ट की तरफ चलते हैं और यहाँ पर चार्ट बनाते हैं सिंपल तरीके से। इस बार मुझे चार्ट चाहिए डोनट चार्ट, क्योंकि आप देख सकते हैं एक तरह का डोनट चार्ट है। तो आप डोनट चार्ट पर क्लिक करिए, और इस चार्ट को कैसे बनाएंगे सिंपली, इस चार्ट में क्या है आप लोग को क्वांटिटी दिखानी है कैटेगरी बेसिस पर, तो आप लोग क्वांटिटी लीजिए, और कैटेगरी बेसिस पर दिखानी है तो कैटेगरी भी ले लीजिए। और आप देखिए ये चार्ट जो है यहाँ पर बन चुका है। अब इस चार्ट में भी कुछ समस्याएं हैं जो आपको सॉल्व करनी होगी। पहले तो मेरे को इसका विजुअल भी ठीक करना है, तो मैं इसका विजुअल सीख करता हूँ। कैसे सीख करेंगे, इसका विजुअल कॉपी करना होगा मुझे, यहाँ पर क्लिक करिए और फॉर्मेट प्रिंटर पे जाके इसका विजुअल कॉपी करके इस पे पेस्ट कर दीजिए। अब इसका विजुअल कॉपी हो चुका है, लेकिन इसमें अभी भी समस्याएं हैं, वो समस्याएं मुझे सॉल्व करनी होगी। जैसे बैकग्राउंड में जो नंबर्स आ रहे हैं वो आप लोगों को वाइट नहीं दिखाई दे रहे, तो आप लोग वाइट लाने होंगे। तो कैसे लाएंगे चलिए देखते हैं। लेजेंड पर, और लेजेंड में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा टेक्स, और टेक्स का जो कलर है वो आप लोगों का अलग दिखाई दे रहा है। आपको इसे वाइट करना है तो आप वाइट कर सकते हैं। तो ये देखिए टेक्स का कलर वाइट आ चुका है। इसी तरह से आपको यहाँ पे जो चार्ट के अंदर लेबल्स दिए हुए हैं उनका कलर भी चेंज करना है। तो यहां पर आप लोग लेबल्स के अंदर एक चीज देख रहे हैं, यहां पर आप लोग को 1K दिखाई दे रहा है, यानी टोटल वैल्यू आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर डिटेल लेबल के अंदर जाएंगे और यहां पर आप लोग को ऑप्शन मिलेगा, और यहां पर आप क्लिक करके लेबल कंटेंट में जाएंगे, और यहां पर आप लोग को कैटेगरी और परसेंटेज टोटल दिखाना है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि वैल्यूज जो है पॉइंट के बाद आप लोग को ना दिखाई दे, या परसेंटेज में दिखाई दे रही है तो पॉइंट के बाद आप लोग को ना दिखाई दे, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको वैल्यू में जाना होगा, और वैल्यू में जाने के बाद यहां पर आप लोग को डेसिमल प्लेसेस को जीरो करना होगा। ये देखिए डेसिमल प्लेस जीरो कर दिए तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज जो है आप लोग को दिखाई दे रही है, और साथ ही उनका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर कलर कॉम्बिनेशन भी आपने चेंज कर दिया, इस तरह से आपका चार्ट तैयार हो गया। तो आप देख सकते हैं ये चार्ट इस तरह से रेडी हो चुका है। ओके, अब दोस्तों अगला चार्ट जो आप लोग के सामने आ रहा है वो ये है सम ऑफ क्वांटिटी बाय स्टेट। तो आपको यहां पर चार्ट बनाना होगा क्वांटिटी बाय स्टेट, तो लेट्स सी कैसे बनेगा। सिंपल, क्वांटिटी वो भी स्टेट के अकॉर्डिंग, तो स्टेट यहां पे ले लेंगे, और साथ ही जो चार्ट है वो चेंज करके कौन सा कर देंगे, यहां पर ये जो चार्ट है आप लोगों का लाइन चार्ट है, तो यहां पर आप देखिए ये रहा एक तरह का लाइन चार्ट, इस तरह का लाइन चार्ट आप ले सकते हैं, और अब इसमें भी सेम इंपैक्ट आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए, यहां पर एरिया सिलेक्ट कर लिया, और अब सबसे पहले तो इसका लुक कॉपी करेंगे। तो लुक मैंने यहां से कॉपी कर लिया है और पेस्ट कर दिया, और ये देखिए पूरा प्रॉपर तरीके से वो चार्ट बन चुका है और आपको दिखाई दे रहा है। आज सिर्फ स्टेट दिखा रखे, सारे स्टेट मैंने नहीं दिखा रखे। तो यहां पर आप लोग सेम करेंगे, यहां पर स्टेट का फिल्टर दिख रहा है, इस पर आप जाएंगे और यहां पर बेसिकली 8 स्टेट दिखाने, टॉप 8 स्टेट। तो यहां पर टॉप एन पे क्लिक करेंगे और यहां पर 8 लिख देंगे, और यहां पर जो वैल्यू आपको दिखानी है वो स्टेट के हिसाब से क्वांटिटी दिखानी है, तो क्वांटिटी को यहां डालेंगे और अप्लाई फिल्टर कर देंगे। तो अब आपको सिर्फ 8 स्टेट दिखाई दे रहे और कोई दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर आपको वैल्यू के साथ साथ लेबल्स भी दिखाई दे, डेटा लेबल्स भी दिखाई दे, तो डेटा लेबल्स यहाँ पे ऑफ हो रखा है, आप इसे ऑन कर दीजिए, आपको डेटा लेबल्स भी दिखेंगे। और अगर आप उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहां से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज का जो कलर है वो आप यहां से वाइट कर सकते हैं। देखिए चार्ट बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, अगर आप लोगों ने एक बार सीख लिया तो बहुत ही ईजी तरीके से आप चार्ट बना सकते हैं। साथ ही आप देखिए ये वाला जो चार्ट है वो बहुत ही सिंपल है इसी के, तो मैं इस चार्ट को यहां पे कॉपी करके यहां पेस्ट कर रहा हूं, और इस चार्ट को इस तरह से बना लेते हैं फटाफट से। कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। चार्ट कॉपी पेस्ट हो चुका है, अब इस चार्ट को मुझे चेंज करना होगा क्योंकि ये प्रॉफिट बाय स्टेट है, इसमें क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट की जरूरत है। प्रॉफिट ले लेंगे हम लोग, प्रॉफिट बाय स्टेट आपको दिखाई दे रहा है, और यहां पर आप लोगों को कैटेगरी की जरूरत नहीं है, आपको स्टेट की जरूरत है। तो कैटेगरी को हटा दीजिए और स्टेट को ले लीजिए, तो प्रॉफिट बाय स्टेट आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही यहां पे सिर्फ और सिर्फ चार स्टेट शो रहे हैं, तो आपको चार टॉप 4 स्टेट ही शो करने हैं। तो आप इस पर क्लिक करिए, सेम इस ऑप्शन पे जाइए, और यहां पर आप लोगों को बेसिक फिल्टरिंग के अंदर टॉप एन पे क्लिक करना है, और यहां पे 4 जो है ले लीजिए। उसके बाद आप लोग यहां पे क्या करेंगे, प्रॉफिट को उठाकर रख देंगे, और प्रॉफिट रखने के बाद आप अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए आप लोग का चार्ट इस तरह से बन चुका है। अब लास्ट वर्किंग आपकी रह गई है, उससे चार्ट बहुत ही इंटरेक्टिव बन चुका है, बस लास्ट वर्किंग रह गई है। ये दोनों चीजें आपको लगानी है, उसके साथ साथ आपको ये चीजें भी यहां पे लगानी है। इन्हें क्या बोलते हैं बात करते हैं। उसके बाद आप लोग को ये लगाना है, इसको बोलते हैं दोस्तों, अब लगाना है हमें स्लाइसर। और स्लाइसर में अगर आप देखें तो यहां पर आप लोग को ऑप्शन मिलता है
स्लाइसर में स्टेट दिखाना है आपको, तो स्टेट को हम यहां रख देते हैं स्लाइसर के अंदर, और जैसे ही हमने स्टेट को रखा तो आप देख सकते हैं यहां पर ये ऑप्शन आ चुका है। लेकिन इसके अंदर मुझे किस तरह से ये देखना है स्लाइसर, ये मेरे को चुनना होगा। तो यहां पे देखिए ये ड्रॉप डाउन बटन वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से कैसे देखेंगे, तो अब जब अगर आप देखें तो इसमें आपने स्टेट रख दिया है। स्टेट रखने के बाद आप लोग को स्लाइसर की सेटिंग्स पे जाना होगा। यहां पर आपको वर्टिकल लिस्ट दिखाई दे रही है, आपको ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करेंगे तो आपका ड्रॉप डाउन वाला ऑप्शन यहां पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप ड्रॉप डाउन ले सकते हैं यहां पर, और फॉर्मेट प्रिंटर से इसका विजुअल भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो विजुअल पेस्ट मैंने कर दिया है, और ये देखिए आप लोग का विजुअल पेस्ट हो गया। अब इसकी जो हेडिंग है वो थोड़ी सी अलग दिखाई दे रही है, तो टाइटल को थोड़ा सा, जो इसका हेडर है वो थोड़ा सा चेंज करके हमें यहाँ पे वाइट करना होगा, ताकि इसका हेडर प्रॉपर तरीके से आपको दिखाई दे। इसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन, ये जो है क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री आपको दिखाई दे रहा है, ये भी एक तरह का स्लाइसर ही है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर आपको स्लाइसर का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करिए, और यहाँ पर आप लोग को क्वार्टर का ऑप्शन मिल रहा है, तो इसका मतलब आपको डेट को रखना होगा। तो यहाँ पर डेट पर जाएंगे, डेट वाले ऑप्शन में क्वार्टर का ऑप्शन है, आप क्वार्टर पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर आपको क्वार्टर दिख रहे हैं, लेकिन आप लोग को उस तरह से नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप लोग को क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को इस ऑप्शन पे जाना है स्लाइसर की सेटिंग्स पर, और यहाँ पर जाकर इस ऑप्शन को चेंज करके टाइल्स कर देना है। जैसे आप टाइल्स करेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा ये डैशबोर्ड। तो अब ये देखिए मैंने इसे छोटा जैसे ही किया तो ये उस तरह से बन गया जैसे मैंने वहां पर दिखा रखा है आप लोग को। उसके बाद आता है मेन पॉइंट, और अब यहां पर है बहुत ही कमाल की चीज जिसको बोलते हैं कार्ड्स। दोस्तों कार्ड बड़े कमाल के होते हैं, जिससे आप लोग का रिजल्ट काफी इफेक्टिव दिखाई देता है। अगर आप किसी भी क्लिक करेंगे तो कार्ड आपको जनरल रिपोर्ट दिखाता है। तो कार्ड कैसे बनेगा, बहुत सिंपल तरीका है इसके लिए। आप लोग को यहां पर क्लिक करना है, और कार्ड के लिए यहां पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये रहा। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके पास कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। और अब कार्ड में आपको दिखाना क्या है वो आप देखिए, यहां पर आपको प्रॉफिट दिखाना है तो आप प्रॉफिट ले लीजिए, और ये लीजिए आपके कार्ड में आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप लोग प्रॉफिट लगा सकते हैं। इसका साइज आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जो आपको रखना है वो आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा करता हूं, तो इस कार्ड का साइज मैंने उतना कर दिया है जितना मेरे नॉर्मल चार्ट में दिखाई दे रहा है, और यहां पर शो हो जाए। तो कार्ड मैंने ले लिया, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इसे सेट कर दिया है। फॉर्मेट को मैंने कॉपी कर लिया है, कॉपी करने के बाद मैंने इस पर पेस्ट कर दिया है। और अब आप देखिए यहाँ पे आपको चार्ट दिखाई तो दे रहा है, लेकिन जो कार्ड है वो थोड़ा सा हल्का ब्लर हो चुका है। अब आपको इसे ठीक करना होगा, तो यहाँ पे जाएंगे सेल वैल्यू पर, और यहाँ पे कलर जो है वाइट कर देंगे ताकि आपको दिखाई दे, और सेल वैल्यूज के अलावा इसका लेबल भी आप लोग ठीक करेंगे और उसे भी वाइट कर देंगे ताकि वो दिखाई दे आपको, ठीक है। इस तरह से आप सारे चार्ट्स को कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना लिया है, दूसरा चार्ट मैं यहीं पे बनाकर कॉपी कर देता हूँ, और दूसरे चार्ट में मैं प्रॉफिट नहीं रखना चाहता। दूसरे चार्ट में मुझे क्या रखना है, दैट इज क्वांटिटी, सो वी एंटर द क्वांटिटी, ओके। और तीसरा चार्ट मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और तीसरे चार्ट में मुझे क्या दिखाना है, दैट इज सेल्स। तो तीसरे चार्ट में मैंने अमाउंट दिखा दिया इस तरह से। और अब बात आती है चौथे चार्ट की, तो चौथे चार्ट में मुझे क्या दिखाना है, चौथे चार्ट में मुझे ऐसी चीज दिखानी है जो यहाँ पर है ही नहीं। अब आप देखिए यहां पर आपको AOD का कोई कॉलम नहीं दिखाई देगा। अब ये कैसे होगा, तो दोस्तों इस कॉलम को यहां लाने के लिए आप लोग को एक कॉलम क्रिएट करना होगा, जिसके लिए आपको जाना होगा वापस से टेबल व्यू पे, और टेबल व्यू पे जाने के बाद आप लोग को यहां पर एक नया कॉलम ऐड करना होगा। तो आप लोग यहां पर क्लिक करिए न्यू कॉलम पे, और न्यू कॉलम पे क्लिक करके आप वो कॉलम क्रिएट करेंगे, और उस कॉलम का नाम क्या देंगे, AOD। इस कॉलम का नाम आप लोग यहां लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड AOD, ये कॉलम का नेम है। और कॉलम का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, यहां पे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज अमाउंट, उसके बाद डिवाइड कर देंगे इसे क्वांटिटी के साथ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी लिखेंगे और आप इसे डिवाइड कर देंगे। और जैसे ही आप ये करेंगे उसके बाद एंटर प्रेस करते ही आप देखिए ये कॉलम आपका क्रिएट हो जाएगा और इसमें ये आ जाएगा। बट यहां पर अभी आपको डेसिमल दिखाई दे रहे, तो आपको डेसिमल नहीं होल नंबर चाहिए, तो यहां पर होल नंबर कर दीजिए, ये कॉलम आपका होल नंबर हो जाएगा। आप देखिए ये कॉलम आपका होल नंबर हो चुका है और नंबर्स में ही दिखाई दे रहा है। अब आपको वापस से अपने डैशबोर्ड पे जाना है, तो आप इस पर क्लिक करिए रिपोर्ट व्यू पे, और आपको वो कॉलम यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब इसे कॉपी करिए और कॉपी करके पेस्ट करिए, और अब सिंपल इसको हटाइए और यहाँ पर AOD डाल दीजिए। तो देखिए अब आपका पास AOD भी आ चुका है। तो इस तरीके से ये इंटरेक्टिव चार्ट आप लोग का तैयार हो चुका है, और आपने देखा बहुत ही इजी तरीके से ये चार्ट आप लोग का बन चुका है। तो है ना कमाल की चीज, बहुत ही गजब की टेक्निक है, आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। अब आपका चार्ट ऑटोमेटिकली किसी भी तरीके से चाहें तो चेंज कर सकते हैं। आप देखिए ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूं और ऑटोमेटिकली मेरा चार्ट बदल बदल कर दिखा रहा है, और कौन सा चार्ट कैसे दिखा रहा है, क्वार्टर 2 में, क्वार्टर 1 में, क्वार्टर 3 में, क्वार्टर 4 में, क्वार्टर 5 में, या क्वार्टर 3 और 4 में।
तो देखिए हर तरह की सेल्स मुझे यहां पर पता चल रही है, वेरी इफेक्टिव, वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट इज शोन लाइक दैट। ओके, सो मुझे उम्मीद है कि आ लोग को ये बात काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपको और वीडियो चाहिए इससे रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, गाइड ऑफ मैथ।